करने को बच्चों, आदर के योग बुजुर्गों, भारत वर्ष की माताएं और बहनें, आज मैं वीर संदाला में त्रिमूर कैशिक के माध्यम से गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन के आशीर्वाद से मछलाहरण पथरीगढ़ का विकट संग्राम किस तरह हुआ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि आला की धर्म पत्नी मछला का हरण पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने किस तरह किया और महोबे वाले जवानों ने पथरीगढ़ को फूंक करके किस तरह मछला को वापस किया। तो आ जाइए दोस्तों, बहुत ही मार्मिक और वीर रस से भरपूर आख्यान आपके सामने है। अरे लगो महीना जब सावन को घर घर होई तीज त्योहार और घर घर सखिया मंगल गावे गावे कजली और मल्हार जी बाबू सावन का मास कैसा सा बबलू। अरे झूला पड़ गए हैं बागन में हो, अरे झूला पड़ गए हैं बागन में शोभा एक अनुपरनी ब्याज और चारों दिश हरियाली छाई फूल ही फूल रहे इधर। तो दोस्तों महोबे में झूला पड़े हैं, वो गोरी नवयुवती वीरांगनाएं झूला झूल रही हैं। उधर आल्हा की धर्मपत्नी मछला अपनी महलों में है। मछला बिजली रंग महल में पहुंची दिबुला के ढिंग जाए कर फूलन की ढोरन लगी प्यार हर शाय पाई लाग के निज सासुल के दोनों हाथ बांध रह जाए कई हंसी खुशी सब ही भूली है मुख पे रही उदासी छाय जब मछला की सास देव कुमार ने अपनी पुत्र वधु को व्याकुल होता हुआ देखा तो पूछने लगी कि बेटी बात क्या है। तो मछला बोली अरे तब ही मछला बोलन लागी हो, तब ही मछला बोलन लागी जो पिंजरा में बोले लाल और कहा बताए शाशुल तुमको इस दम मेरो बुरो हवाल। नवलख बगिया में तुम अब ही मेरो झूला देव दरवाज खुशी हमारी जो तुम चाहो मैया इतनों देव दरवाज तुम मुझे मैया दे देव तो में जाय करे सिंगारी दोस्तों आल्हा की धर्म पत्नी की बात सुन करके आल्हा की मैया देवे अपनी बहु मछला से बोली अरे कही से कही लई अब मत कहियो इन बात इन में बड़ी है रारिकाई और नाम लेती है तुरी बगिया को कामत काट दई करदारी अरे जल सिंह ज्वाला सिंह पैरी है
घोर घमसानी नाना प्रकार से देव कुमार अपनी बहु मछला को समझा रही है दोस्तों। तो आंखों में आंसू भर के मछला अपनी सास से बोली, अरे हम तो झूलन बगिया जाए तुमको साफ दे समझाए, और कौन सिंगनी पर जन्मो है जो चढ़ हम को लिए छिनाई। और ऐसा ही नहीं मैया, अरे उदल तिबर हजारी अंबेरे जिन के जग जाहिर तलवार, पीर मल्हारो शिर सांबारो तो प्यारो बच्छराज कोला। और ये भी ध्यान रखो मां, हम के तो झूला बागन झूलिए ना हम मरे जहर सुखाए, तो ये लगिए बन गई तीर बेबे की और जल पोर पोर हुए जाए। बहू नहीं मानेगी, बांदी से कहा कि बहुत जल्दी जा और मेरे छोटे पुत्र उदल को बुला कर ला। आर दोस्तों वो गोरी चली है, बांदी चली गई तेरे पहले लठे मसलन जाते मधुरिया चाली, आज चटक चुनरिया लद लद जावे धुतिया दबते पाए सो जा। अरे प्रभु जी कुटिल नैन रत्न रे बगे गोरे हके भमीरी गाल, हाय हाय आज मुश्किल भोरी की छूटी कोदा बहुत सुरद में जाई। अरे लगी कचही पमर शहर की बैठे सिंह करौता खाई, और उदल नहर जा पे बैठो कमर दुई झूली तलवारी। बांदी उदल के पास जाकर बोली, अरे तुम्हें बुलाओ है मैया ने सो महलन को तैयार, और सुनत खबरियां परले हुई गई उदल महलन चले सिधारी। तो जिस समय उदल राजभवन में पहुंचे हैं जहां पर माता देव कुंवर बैठी है, पूछने लगे कि मां बात क्या है, दोपहर के समय तुमने हमें महलों में क्यों बुलाया। तो देव कुंवर अपने पुत्र उदल को गले से लगाकर बोली कि बेटा बात एक है, क्या धरो मेरे उदल पुत्र न घूर कहूं नाई जी बचलाई, भौजी तुम्हारी मछल दे भीरी झूले बगिया में रही हटठाई। हम पैर नियार चहूं दिस को अठ खंब में झूला तो बबलू देव समझाई। समझ गए उदल भाभी झूला झूलने के लिए रूठी है। जिस समय दोस्तों उदल अपनी भाभी मछला के पास गए, मछला ने उदल को उचित आसन दिया और बोली है, सावन को तिबर
बगिया में मैं झूलूंगी तो तेवर झूला तो देवो डलवाई। शोले लेकर मछला ने कहा कि देवर जी जरा दिमाग से बात करो। अरे लहंगा पहन को ले में घर में बैठ जाओ घूंघट मार। अब मैं देखूंगी कि पृथ्वी राज को धर के तीहे पाई जत भार। आंखों में क्रोध के शोले छा गए और कह कि भागे। अरे ऐसी आप तो भाई हो कब से जो कोई पढ़ के कहता है जवाब। आप फूल चमेली को हम नए तोड़ो जब तक ढूंढे से मिलो है गुलाब। अगर इतनी ही बहादुर आप हैं तो एक बात सुने। अरे कब कर देवर भयंकर मरिया ना गया पतो बजा रहे गाल यादि भूल गए पा मानो की के करिया में भकसी में गए तुम डाल। छुड़वाई
भाभी अधिक मत बोलो, अधिक मत बोलो भाभी। अरे हमने चढ़ती का कर्म मालूम में झटझट लेने के बाप के दाई बूढ़े काट के मैंने जम्बे को झाड़ो कोलू में दो तो फिर भाई कहानी जा
याद रखना सुरेश, जिस समय उदल को मछला ने वन विहार के लिए भेजा, उधर वो सुंदरी जब झूला पर झकोरा मारती है, दोस्तों ये लगता है मानो काले काले बादलों के बीच में बिजली चमकी हो। हाँ दोस्तों, इधर को मछला झूला झूल रही है और वो हीरा भैया ज्वाला सिंह के खोपड़े पर शनिचर और राम जो पथरी कर राजा था। अरे चलो शनिचर पथरी अगर पे आ जाई खेलन चलो शिकार, और चल दो राजा पथरी गढ़ को आ जाई बन के बिपिन बजारी। होनी सूखे पीपरा तक खेच लाई, अरे पूछो महुबे की सरहद में बाग नौ लखा लो तो निहार, और घेरो आई अदिननी पाको अब आगे के सुनो हवाली। बैठे जाए झूला पे पूरे भैया की चले बिहारी, आरे धीमी हसन मंद मुसिया बनी पोहन चित्त मुनी सुरक्षारी, और रिम झिम रिम झिम मेहा बरसे अब घन गरज गरज रह जाए। अरे पी 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 पपिया बोले मोरा कोहती कोहती रह जाए काई, आज चारों बियरियन पूरे मस्का है पूरे भैया की मौज बहारी। हंसी बेहस के मछला झूले बबलू ध्यान बिसर न जाई। दोस्तों जब वो गोरी झूल रही थी, बांदी ने जब धर के झकोरा मारा झूला में, झकोरा जब बांदी ने मारे तो है जुलम बुझारी, ए लगी बियरिया जब झूला में आंचल उड़ो पद्मिनी ना। मछला के बक्ष पर पड़ा था, शमीर का झटका लगा वहां चल उड़ा। अरे फूली पति थी जब गोरी अति मुदा भाव सुरग में जाई, और बिजली सी चमक गई थी मेरे भैया सूरजन धर निगरो तो भैरा। दोस्तों मछला को मुस्कुराते हुए जब देखा, ज्वाला सिंह के हृदय में काम की ज्वाला धधक गई। हीरा, सर्प का काटा हुआ इंसान बच सकता है, लेकिन औरत के मुस्कुराहट का मारा हुआ आदमी जीते जी मर जाता है। अरे गिर गो घोड़ा के ऊपर से एकदम दो तो तमारो यार, और मन में सोचत है ज्वाला सिंह ताजा हूर परी गई आई। अरे बोरी बोरी बहिया नरम कलैया बंगर का देखिए उनहारी, और पतरी कमर लचम भैया धीमी हसन मंद उन्हारी। जब काम का बाण ज्वाला सिंह के लगा, बेहोश होकर ज्वाला सिंह धरती पर गिरा, तो मंत्री ने कहा कि राजन दिमाग संभाल के बात करो,
जानते हो जिस गोरी के ऊपर तुम आशक्त हो वो कौन है? बोला है मंत्री, अरे धोखे में रही हो तुम, कौना के मेरे भजन करो परमान। अरे रानी मछला है रे आला की, जो शरता जम हो बे क्यारी। अरे असल के हरी पत है क्या तो दे पर भबर शेर मलखानी। और उदल नाहर डोलत हुई है, कौते ठांस दी है तलवार। और ऐसा ही नहीं, अरे झूला झूलत है बगिया में, जो शरताज पदमिनी नार। और बांधी झोंका बाकू दे रही संगई पीरों ने सिंगरार। अरे झोंका लीलो जब मछला ने लागी, पवन पूरब आया। और आंचल उड़ी गौ है रानी को, मुख की शोभा कहीं न जाए। रहियो तुम बिजली के है महुबे की पद्मिनी नारी। दोस्तों जब ज्वाला सिंह ने सुना ये तो बहुत सुंदरी है, हृदय पर काम का बाण तो लग ही चुका था। मंत्री से बोला, याद रहे दोस्तों जिस समय पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह मछला की सुंदरता पर मोहित हो गया और मंत्री से कहा कि चाहे उदल मलखान आला मेरे सारे परिवार का विनाश कर दें, लेकिन इस सुंदरी को लिए बिना मैं यहां से लौटूंगा नहीं। आगे बढ़ के बोला, अरे बोले ज्वाला सिंह मंत्री से, सुन ले भैया बात हमारी। और लागी बुरी होती है दिल की, इस पर न सूर्यन अधिकार। अरे मोह पर भाई नहीं कना जाती हो, देवे भरवाई। पर मछला को हम लेके जाए, मेरी बने गले को हार। मंत्री की बात नहीं मानी, ठीक उसी तरह सुरेश जिस तरह मौत के मुंह में पड़े हुए इंसान को दबा फायदा नहीं करती है। जब काल के गाल में इंसान फंस जाता है तो दबा कोई निदान नहीं करती, वही हालत ज्वाला सिंह की है। अरे खुशी भैया ज्वाला सिंह को, घोड़ा में फांदी हो तू असवार खाई। और एड़ा लगाई दई थी घोड़ा के, फाटी का कूदी गो तो बापा। आगे और परदेसी जल्दी जाइयो लौट पिछारी। मछला बोली है, जब अपरिचित इंसान को अपनी झूला कर निकल देखा तो बोली है वो सिंगनी, लौट पिछारी कहीं मछला, हसियो परदेसी न राह अंगारी। ज्वालन ज्वाब दयो दाको महारानी, सुनो एक अर्ज हमारी।
चली हमारी करो चली के चली के अब सोब हमारी अटारी मछला बोली तो चना के धो के मिर्ची चबने की कोशिश मत करो हा? जानते हो किससे बात कर रहे हो जवाब दयो ताको मछला रिसने नन में जब ज्वाल पजारी बात समारी की पापी उचार भई न तो आई है मोती तुम्हारी जो खैर चहो अपनी भज जाओ कहीं मेरी मानी पिछारी अगर जीवन की खैरियत चाहते हो तो यहां से भाग जाओ जिंदा नहीं बचोगे विनती करके के ज्वाला बोले ना खुशमती तो हो सरकार तुम्हारी चाहत में के हम पागल और तुम हमें तो लगाए गई मार से तो काल करे ही गुरु याधार मछला ने कहा कि शायद है तुम्हारा दिमाग अभी होश में नहीं है शंजन सी कर दी मछला सुन चाट दई ललकार करारी बोली रहो के तो प्रथा दिखाती गई तेरी पुत्री मारी देवर मेरे उदेश वीर बली है तेरो हाय शीस उतारी ताकू जो फेर चहो अपनी भज जाओ कही मेरी मानी हनुमान बच्चा आशिक को बनी डोले के तूने कहां पे कमाए दो ज्ञान दोस्तों जब मछला लंबी फटकार ज्वाला सिंह को दी लेकिन एक बात बताऊं हीरा भैया कि कामी इंसान की आंखों में सुअर का बाल होता है उसे इज्जत बेइज्जत से कोई मतलब नहीं हजार जूता मारो खोपड़े अरे ज्वाला बोले तब मछला से गोरी धन सुन ले बोया रे हमार मानी कही तो एक नाय मेरी के आखिर ठान लई तूने रार Yeah.
बोला के मछला गोरी हमली है मगुबाई। और ये भी मेरा वादा है सुंदरी, अरे करे बसल जा दिल संग तेरे तब ठंडो जीरा के हो बे हमार। इतनी ये कह के ज्वाला चल दो तो घोड़ा पे लला मो भाओ अशबार। ज्वाला सिंह बादशाह निकल गया, उधर मछला ने अपनी सहेलियों से कहा कि दीदी ये जो घटना अभी बाद में घटी है इसे उदल देवर समझ न पाए नहीं झगड़ा बढ़ जाएगा। सुंदरी महोबे को लौट गई दोस्तों, और उधर ज्वाला सिंह पथरी में पहुंचा है, हृदय में कहम का बाण लगा है। अरे तन में मछला मन में मछला रे तैया, और वह मछला में बसत बिलान कौन शमैया के बिधना लई है के मछला कुली है तो गले लगा। कटाक्ष भरी वाणी जब देवी ने सुनी तो ज्वाला सिंह को सावधान किया कि बेटा जरा दिमाग से बात करो, तुम्हारे हृदय में जो पाप की बात है वो मैं अच्छी तरह जानती हूं। अरे बिटिया के शम मछला बाबू लउआ शादी तो नहीं है बताई, और वीर पिटारो वो यादम खोले तो मेरे होश भुलाई। और ऐसा ही नहीं ज्वाला सिंह, हमारो के ये नहीं है के नाहक पाप में रहो कम भाई। और बेटा महुबियों की चाल से तुम परिचित नहीं हो, बंदर जात है। अरे लेके गुर्जर पिला जब मलखे तो पथरी में आगी मोजी है लगा, कोई है के बंदर जाति है महुबिया क्यारी।
इष्ट देवी जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी पतिव्रत स्त्री के धर्म को हम दूषित करें। हमारा धर्म केवल इतना है कि आ दुश्मन पथरी पे जब चढ़िया बे तो बाको में की दे हम नाम। ज्वाला सिंह आंखों में आंसू भर के बोला, मैया यहां तो एक एक पल बरसों के समान कट रहा है। अरे रक्षा पथरी की कब करियो के पेरी जाती है आज के मछला रानी के जाको पाप तुम्हें लग जाए। देर न करियो कहे तो जगदम्बा भोईबा मछला से तीजो मिलाए। और ऐसा ही नहीं मैया, अगर तू हमारा काम करेगी तो हम तुझे भेज देंगे क्या। अरे पहलो पुत्र जने भी जो मछला ताई हम भेज दो दीहे करवाई। मेरे मन की तू मैया कर दे तो कंचन कलश तो मैं दीहे चढ़वाई। मछला के पथरी सुनी के दूनी विपत रही मडराई। और ये भी ध्यान रखना सुरेश भ्राता जी कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो अच्छी सीख उसे सुहाती नहीं। अरे टेढ़े दिन जब नर के आवे ऊंचो खालो बैनाई दिखाई। तेरे दिन ही के बात तो ज्वाला के पानी देवी बलई है मनाई। अरे हुक्म दे दो तब जगदम्बा अपने पीरन बुलाओ है बुलाई। मछला शहीद तो पलंग फूले के तो पानी महुबे से के लोहे बुलाए। ध्यान रखना भ्राता जी रामचंद, चिमटा भी जरा संभाल के बजाना। जब ज्वाला सिंह मछला को माता देवी की योग शक्ति के द्वारा पथरीगढ़ में बुला लेता है, मछला पलंग पर सो रही है, उसे नहीं पता कि मैं पथरीगढ़ में आ गई। इधर जब मछला को आया हुआ देखा है राजकक्ष में, अब दोस्तों वो चला कामीकूर, जाकर के मछला के पलंग के पास बोला, अरे कैसी सोबो सुख निदिया में तो आंखें खोली दे दिलदारी। और हाजिर ढाड़ो है रे खदमत को तुमरो तो ज्वाला तावेदारी। अरे अकेली सोई रही पलका पे हमको संग ले सुबह। और डालो गर्दन मेरे गल बैया मोई सीना चलियो चिपटाई। कन भनक मछला के पर गई गदम उठी भरा रखाई।
तारे क्यों वे पापी और हत्यारे के मोइना हक में दो तो जगाई आरे ख्वाब समझ के मझला रानी फिर से पैर लय फैलाई और सोबत थी में निज महलन में कैसे पापी पूछो आई मछला सोच रही है कि शायद नींद में कोई बिजकट ख्वाब आ गया और ये ज्वाला जो दिन में हमें दिख रहा शायद वो सपने में पुनः वो घटना घट रही है नहीं जानती वह सुंदरी ये ज्वाला सिंह के कक्ष में कैद है मछला को अर्ध विक्षिप्त नींद में ज्वाला ने फिर जगाया अरे हाथ पकड़ लो ज्वाला सिंह ने जब यो प्रिया मछल दे नारी और ज्वाला बोले मछला बत से में तेरे बने गले को हारी याद है आरे काम को बाण लगे जा मानव तन में धजी धजी उड़ जाए बाई दिन न के न रात न निंदिया मंदिर मंदिर दे तू दिखाई अरे ज्वाला बोले मछला बत से गोरी धीर धरो मन माई और रही वो हुई है पथरी गढ़ में महुबो अब मिलबे को नाई आखी खुल गई तब मछला की शर्मुख ज्वाला जो तू बातें ज्यादा करे तो मुख में खांस दिए तलवार रावण सीता को हर लाओ तो अपने करी वंश की हान याद रख ज्वाला रावण की लंका सीता का कांड विनाश के मुंह में चली गई उसी तरह तेरी पत्नी को देवर उधर ढेर कर देंगे तो ज्वाला सिंह बोला अरे नैना की गाछी तो मने मारी ताकि मिठा कहीं ना जाए और जो तुम मुँह पे दया न करियो तो मेरी ये जान मुफत में जाए अरे इश्क तुम्हारे में दीवाने और हमको गले से ले लगाए और जो कछु गलती होए हमारी गोरी माफ दी और करवाई अरे रानी बोली तब महबे की सुन ले पथरी के सरदार अरे काल तिहारो अब नग चानो तो बेरूठ गए करतार और उदल देवर जिस दम चढ़ के पथरी पे तोप लगाए है आए बबर शेर वो शेर साबा लो जा को काटो डसो न जाए पथरी पे धोसा दे वीर मलखान और जन बच्चा से तो कटवाए के पथरी गर्द दे करवाए ज्वाला सिंह बोला गोरी जब तू नाराज भी होती है तो तू देखने बड़ी सुंदर लगती है शायद नहीं जानती सुंदरी नाहक नारी अनारी बनी बतरा तमने क नहीं डरती है
कौन पूछो रे बताई रही, कुछ ख्याल न तू दिल में रखती है। कहली बटाई गले मोई पीर मेरी क्यों नाई हरती है। मछला आंखों में खून के शोले लेकर गोली की ओरे मत का काम करे तू कभी नन के बन सूर हमें धमकाई रहो है। दारी छला ले मूछन में और तेग यहाँ चमकाई रहो है। अगर तू मर्द का लाल है ज्वाला सिंह जो तू बनाया सो पीर बली महु पे गढ़ क्यों नहीं जाई रहो है। सूर्यन कहीं अपनी कुल तू तू दाग को करमी लगाई रहा है। लाला सिंह बोला गोरी तू जो महोदय की घोष हमें बार बार दे रही है तो ये याद रख सूर सबे महुबे के जुड़े कर जंग हराऊं नहीं घबराऊं। तेरे मलिक खान उदय सिंह काट के शीश में भूमि गिराऊं। हाय सब देख लिए पीछे तो प्यार चाई विलंब न लाऊं। सैदा कहीं लिपटाई गले घबराए जिया ताकि हूक बुझाऊं। मछला समझ गई के कमीन मानेगा नहीं। अरे मछला सोचे के लला बनी अपनी कैसे धर्म है बचे अब याई की कोई कहाय चाला की अपनों लेके ईमान बचाए। स्त्री चरित्रम पुरुष भाग्यम देवो अपने जाना को दो मनुष्य देखी। अब वो गोरी मुस्करा कर बोली अरे मुश्किल छोड़ी ज्वाला सिंह तो गयो हर साई गुस्सा हिरन तो भयो राजा को मछला पति तो रही बतुराई। मछला ने कहा कि ज्वाला सिंह अगर एक महीने के अंदर आला हुदल हमें पथरी से नहीं ले जाते हैं तो बेशक आप हमारे साथ वश्ल करें। लोगों ज्वाला सिंह का तो कलेजा फूल के गरगज हो गया। अरे इतनी अपजन तो सुने मछला गे ज्वाला फूल तो बंब हो जाए। हाँ फूल करे जो तो गरगज हुई के बाकी कहन तो लगो मुसिक्याई। पंखनी मेरी है पिटिया के ताशंग लूटो तुम बोझ बहार। अरे काकर पहे बे महुबे
है कि तुमको नहीं है याद रखना भाइयों, जिस समय मछला का हरण हो चुका और ज्वाला सिंह से शर्त मछला ने रख ली कि अगर एक महीने तक महोबे वाले नहीं आते हैं तो आप हमें बेच सकते स्त्री बना ले। ज्वाला सिंह ने कहा कि शर्त हमें स्वीकार है, मेरी बेटी शुभा पंखनी के महलों में तब तक तुम प्रतीक्षा करो। और इधर दोस्तों जब सुबह महोबे में हुआ, हाय हाय गर गजब हो गया। अरे दिबला बिलखे सत खंडा पे ना कऊ मछला परे दिखाई और कोने कोने मेरे ढूंढती है जाने कित में गई बिलाई। खबर फैली गई है महुबे में रैयत रही रज्य में छाई। अरे आला रोबे उदल रोबे इंदल रोई रहो सुकुमारी। अरे नहीं समय गई धरती में कैसे आसमान उड़ जाए। और फाटी का बंद मिले महलन के कैसी कोई ले गो छुराई। दोस्तों इधर इंदल जो मछला के पुत्र थे मैया के वियोग में धार मार करके महल में रो रहे थे। अरे बिना तुम्हारे मैया मोको सब जग सूर्य पड़े अंधियार। और हिलती बंद गई तेरे बेटा की नैनन बहती नीर की धारी। दोस्तों सारा परिवार रंज में डूबा था। आल्हा को रोते हुए जब देखा है तो ताला सैयद ने आकर के कहा कि बेटा रो मत। अरे रोबत ये खो जब आला तू तब ही ताला कई सुनाई। और हुई कि सूरज काज तिरियन के नैनन आंसू रहे बहाई। और ऐसा ही नहीं बेटा, अरे मझला जिंदा जो धरती पे राखे पूनम से मिलवाई। हम मारे तेगा तलवार न के गढ़ को ढेर दिए करवाई। ताला सैयद ने ज्योतिष शास्त्र में महान ज्ञानी ढेबा को बुलाया और कहा कि बेटा पत्र खोल करके देखो कि इस समय मछला कहां है। तो हुआ क्या, अरे सात हाथ को पत्र लेके तीनों तुरंत हाई फैलाई। और बोलन लागे फिर सैयद से चाचा सुन ले कान लगाई। अरे पामन गढ़ के जितने राजा सुख से कर रहे मौज महारी। और कुशल नहीं है पथरी गढ़ पे बाह पे रहो तो शनि चर छाई। अरे ज्वाला सिंह बाजी ने चाचा दी ने ये है झुलम गुजारी।
जगदम्बा देवी के बल से बाने मछला लई छुराई। दोस्तों जब इंदल ने सुना कि मैया ज्वाला सिंह की कैद में है, अरे लगी बंध गई तब भेटा दी और जल कोर कोर हुई जाई। और जब शुद्ध आई है रे मछला की धरती तो मूड पार हो जाई। जब इंदल को रोते हुए देखा तो ढेबा ने कहा कि बेटा रो मत, वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त मछला को कैद में से छुड़ाने का है। मेरी राय है कि हम तुम सभी यहां से योगी बनकर के पथरीगढ़ को चलें, सारी पथरी का भेद गुप्त रूप से लेकर के पथरीगढ़ के ऊपर तोप लगाएं। इंदल आंखों में खून के शोले लेकर बोला, चाचा अरे तुम्हारे इंदल सी तब ही अब बोलो चाचा या कल गई अबौरा। और क्षत्रिय कुल में हम जन्मे का मत काट दई करतारी। अरे तेग बल से हम मैया को जबरन पत्थरी से लई निकारी। और दंड बांध के ज्वाला सिंह के तब जियरा को डाह बुझाई। और ऐसा ही नहीं चाचा, अरे शुआ पंखनी बाकी बिक जाता जब भामर ले डरवाई। आप धर्म शूर मन के नाई के जोगी मेरी बने बलाई। इंदल को क्रोध में देखा तो उदल ने पुचकार के अपनी गोद में बिठाया और कहा कि बेटा दही के धोके चूना चाटने की कोशिश मत करो। अरे कठिन मवासी पथरी गढ़ है जाके एक बेसन जाए। आज तू तो बता सो नाच वाला सिंह जा को घोर पियो तुम जाई। काट ले हम ज्वाला को जाही अलई जिगर में खानी। और ऐसा ही नहीं चाचा जी, अरे जा छत्री की बात कह का अरे ने बनाए भव संतापी। ऐ लोहू उबले नर देही कोता के एक मैया दुई बा। बोले इंदल चाचा जी, इंदली जवाब दयो बड़ी के मेरी बात सुनो रणधीर कहैया। मार करे पथरी पथरी और खोद करे गढ़वा को गढ़ैया। जीवित मात दुखी ध्यान देना, पुत्र के जीवित मात दुखी के तो पुत्र हरामी के मात गधैया।
और भी ध्यान दो चाचा श्री। इंदल फेर कही समझाई के आई के क्रोध कृपाण चलैया, चाचा जी धीर धरो न डरो, मैं हूँ वंश बना फर बेल बढ़ैया। अरे शत्रु के हाथ में जाई लगी, दुख पाई रही मछला बथ मैया, पुत्र के जीवित मात दुखी के तो पुत्र हरामी के मात गधैया। अरे एक नमानी के ललाई चल ले घोड़ा पे खून के भाव यशवार, हाँ खास कर लिया पे लला चढ़ बैठो तो पथरी को पूजा है बाखों में खून के शाले लेकर ज्वाला सिंह की सभा में पहुंचा। अरे भरी कचहरी थी ज्वाला सिंह की, पहुंचो सिंह तो महोले प्यार, आप पीछे बोल में खाड़ो तो हुई गो के नामी वंश है बना फर किया। बात नहीं कर रहे, अरे तनिक उमरिया है ललाया तेरी, ओठन पाती है दूध की धार, भुआन देखे के जंजालन के तो ना कहूं चल करे लथी तलवार। याद रख ज्वाला, अरे इंदल के बेटे हम याला देखे हम बोले वो ससुर पहचान, अरे नगद जमाई तेरे लगने के महबो खास है हमारो गां, सुआ पंखनी जो तेरी अतिया के पासंग साथ हम ली है दरबार।
रात्रक कमीन अरे मुड़ काट के और हम तेरे के सही में खुश ते मेरा फरमाए अरे पटन सुनत खन जब इंदल के क्षत्रिय टूट तो पड़े अरराय सात शूर मा एक मिल हुई की तो इंदल पे झोंक रह गई तलवार के बंगला में जब बबर शेर दहाड़ा है अरे जैसे भेड़िया का भेड़न मारे जैसे सिंह है मिड़ारे गाय ते सिंह बेटा के मछला बद को तो पथरी में कर दो है लला कमाल दोस्तों जिस समय अपनी मां मछलावती को छुड़ाने के प्रयत्न में आल्हा के पुत्र इंदल पथरीगढ़ में कैद हो गए गुप्त विभाग के द्वारा यह संदेश जब आल्हा को महोबे में मिला कि मेरा बेटा भी पथरीगढ़ में कैद हो गया तो दोस्तों उस बाप का हृदय विदीर्ण हो गया व्याकुल होकर आल्हा बोले हैं अरे आल्हा बोलत है रे उदल से भैया आओ दुख कराली और पहली झपटन में तेरी आ गई अब के गौ तो हमारो लाली और आई गुसैया अब का करे हम पे पड़ी गजब की मार और दुख पड़ो है अब आल्हा पहली नी तुरत ही काढ़ कचारी दोस्तों व्याकुल होकर के रो रहे अरे पेट भर के हम भर जाए आला छोड़ दई और इंदल सुतने जा फिरिया पे दूजी भुजा दई थी मेरी डोरी और लगी भर भर के रो बतै आए तैयागत कहीं न जाए और मछला हर गई बेटा बंद गो अब हम कौन भार में जाई दोस्तों जब भैया को रोते हुए देखा तो उदल ने अपने बड़े भैया का हाथ पकड़ के कहा कि भैया रो मत और हाथ पकड़ के उदल बोले भैया सुनो हमारी बात और होनी बिना भय नहीं रही है ताचे एक बेसन जाती अरे मारी कटारी भैया मरिया तुमको थूके सकल जहानी और जलती सेना को सजवा ले उले वो कही हमारी मानी व्याकुल होकर के आला अपने भैया के सीना से लिपट गए
और बोले अरे शीशा पटक दिया ला, बोले भैया बात सही ना जाए और सवरी दुनिया इस दम भैया सूनी सूनी पड़े दिखाई। अरे बिना बरूना है नल के को भोजन पूजे हेली भाई और तिरिया मछला सी नहीं मिले चाहे हम ढूंढे सकल जहानी। तब उदल बोले फिर भैया सहनादा धीर धरो मन माई हम अखिले इंदल को नहीं लावे तो मुख तुम्हें दिखाई है नाई। हीरा सिंह अरे आला उदल के रोमन में पंखो महल झना को खाई। अरे आला रोबे उदल रोबे रोबे बनरस के सरदारी। दोस्तों जब ताला सैयद ने आला उदल को रोते हुए देखा तो ब्रह्मानंद जो परमार के पुत्र थे उन्हें बुला करके कहा कि बेटा आरोग्य से सोबत हो सुख निधिया बेटा कहाँ गमा हो ज्ञानी और घेरे की पथरी पे चढ़ जाबो बाको में तो नाम निशानी। लेकिन एक बात है बेटे ज्वाला सिंह को उसके कुकर की सजा देना हमारा पहला धर्म है और इस काम को पूरा करेगा बोना चोर जो ज्वाला सिंह की बेटी शुआ पंखनी के ऊपर पहले रंग चढ़ाए। जो ज्वाला सिंह को यह पता लग जाए कि महोबे के बबर शेर आने वाले हैं। अरे पाती लिख दई है कुलहर को सुनियो यार मोनिया राय परो याला उदल पे जल दिया ये करो सहाय। अरे बाजी भाभी जब मोना ने मह में तुरंत मुंह दियो जाय काय काय ओ लगी कचरी जरे आला की मह पे पहुंचो मोनिया राय। आल्हा ने कहा कि यार एक काम तेरे योग्य है सारा सामान चोरी का ले जा। ज्वाला सिंह की बेटी जो शुआ पंखनी है उसके ऊपर तू जाकर के रंग चढ़ा। दोस्तों बोना चोर महोवे से पथरीगढ़ को चला। अरे आधी रात पर भय बोना ने लीनो भैंसक चोर को धारी और रानी मछला तेरे महलन में पहुंचो कुड़हरपुर सरदारी। यह मछला थी बोना चोर ने जाकर सारे हालात का भर्ण किया। अरे जब ये हाल सुनो मछला ने दिल की गली गली खिल जाए और रे समरसी की ले लेके बोना तहां पहुंची हो जाए। अरे गोरी गोरी बहिया नरम कलैया गोरे हते भवीरी गाली। अरे धूनी तेज बेहोशी की दिनों सब बेहोश बनाए और सुबह
का पंखनी के ढिंग पूछो पेकी खोली लई हर साई आरे खोल पिटारी कहने बारी सबरे कहने लेत निकाल काई और रतन जड़ा वो कपड़ा लेके सो पहना तू कोनिया राई दोस्त कैसा श्रृंगार किया अरे मेहंदी लगाई जब माथे में कछ थारी भकरी न जाए और चूड़ी हाथन में पहराई कुआरी बयाई मौज बहारी बतनी धन धन इंदल राजकुमारी आरे तीन लोक से सुंदर प्रिया तो मिली इंदल सी लाली और यार दिन पहुंचे गढ़ महुबे में हमको हुई है खुशी अपारी फौजों को लेकर के पथरीगढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। मंजिल दर मंजिल तय करके जब ये पथरीगढ़ के किला को चारों ओर से घेर लेते हैं, महोबे वालों की फौजें पथरीगढ़ के किला को चारों तरफ घेराबंदी कर रही हैं। रात्रि के घोर अंधकार में पथरीगढ़ के किला को जब घेरा है, दोस्तों सभी सैनिक विश्राम कक्ष में है। रात्रि भर सभी ने विश्राम किया है और विश्राम करने के बाद में आला उदल सभी महोबे के जवान स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के गायत्री महामंत्र से संध्या वंदन करते हैं। उसके बाद में मछला को छुड़ाने के लिए आला उदल ने विशेष सभा बुलाई। याद रहे द्वितीय भाग में आप इसको सुने। ध्यान रखना भक्तों, जिस समय एक विशेष गुप्त विभाग के द्वारा मीटिंग जब पास की गई, सैयद ने कहा मलखान मेरी राय है पहले ज्वाला सिंह को संदेश भेजा जाए, तो बबर शेर मलखान पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के लिए संदेश लिखते हैं। क्या? अरे कागज लेके कल पिया बारो, अरे पातिया लिख से भाभी को वापिस देव करवाए मारो भतीजो इंदल प्यारो ता संग शादी देव करवाए जोग
दोनों
पशु मचित हुई जाए और जाई घोड़ा के बोला लागे दड़ में ही से और मर जाए और जाई ध्वन के बोला लागे चोला सुनो परे दिखाए वो जहो लड़ाई पीछे रही ग्वालन भाला लेके उठाए और धर धर भाला को धमकते थोल में घुसत प्राण चढ़ जाए और बड़े लड़ैया महुबे बारे दैया चाल दो तुम खून की धार बह रही थी आरे सुमन जब कद है रे भोलन के मोजा अंधे सिपाही ने प्यार और कट कट छोना रज पूतन के गिर रहे खेतन के मैदान और बारे लड़ैया दिवला बाले खेल जगा भमर की उदल की आंखों में खून के शोले धधक रहे थे ज्वाला सिंह से बोले कौरे कमीन अरे तू दो रुपया दे दो कर है ना हम डर है मुंह बचाए और हम तुम खेले लड़के तन में देखे किन पैदा मर जाए और क्या मन भाई गई ज्वाला की शर्मुख घोड़ा दो तुआए और जा गई खे मैया ज्वाला चक सरल रखे किलई तलवार रखना मेरे हम उम्र दोस्तों जिस समय ज्वाला सिंह उदल ने कैद कर लिए और ज्वाला सिंह के पिता जल सिंह को जब खबर लगी कि हमारा पुत्र युद्ध में बंदी हो गया अब महाराज जल सिंह पथरीगढ़ से सेना को लेकर के युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं दोस्तों हुआ क्या अरे जल सिंह चल दे अब आगे कोढ़िन मलिखान वीर के आए अरे टेड़ी मोए करके बोलो के सुन ले बात मेरी तो जीत लाई लाखन योद्धा मैंने मारे आए तुम उदे न को प्राणी अरे जियतन जय हो तुम महुबे बोले वो कही हमारी मानी अरे ज्वाला सिंह मेरे तो बेटा को देवो पास मेरे पठवाई और माफ कसूर करे हम तुमरो अपनी फौज जाओ लौटाई बेटी जो नाई है तो ले वो मान मेरी समझाई अरे दोनों टोला माई डल के सबरे ही हम दे उठे जमाई का और नाई तो आ जाई पथरी गढ़ भोपाल में ठेर दिए रे करवाई और तब ही जल सिंह बोलन लागे अपनी त्योरी लई चढ़ाई
अरे बाजी बड़ी बड़ी तुरे मारे तू है शेर पे काल रहो तो मडरा अरे तेरा तेरी जिसन में मारू से की जाए भूल सब यार आखे दिन मारे तो महुमे में कारे पखा दिए रे करवाई को ब्रह्मा भूखो काय कु चेहरा लो मुरझा अरे ढाली अड़ाई गई तब मल खेने मर तो ध्यान सर ना जाए काय काय हम मल के हंस के बोलब लागे दिल के ले अरमान मिटाए अरे बार हमारो जी सदम हुई है तो राम ने सके बचाए और ले लई शेला हाथ जल सिंह ने फिर मलखे पे ढोक दई जाए और घोड़ी कबूतर दहनिया हुई गई जिससे लगी प्यार राय और हाथ पुराने जल सिंह फेंके तिल को मलखे रहो बचाए अरे नामी शूर एक जल सिंह को इनके दो तो मुकाबले आए तोलू जल सिंह धर के झपटो लाओ दूसरी फौज सजाए अरे नामी शूर के बल खेले तोलू स्वर्ग देख भिंडवाई कर अरे दाती पीस के जल सिंह झपटो अपनो हाथी दो बढ़ाई जल सिंह मारो घोड़ी की लगो पीछे पे जाए और घोड़ी हट गई जब पीछे वो मलखे भी लगे खिसियाए और पीछ कदम से घोड़ी दादी जाने दीनी हेड़ लगाए और घोड़ी तरपी जब मलखे की मस्तिक टापाई जाए और होश बंद जल सिंह के हुई गए हाथी बान गौ तो घबराए और रसा होदा को मलखे ने निज देगा से दो उड़ाए और रसा कटते पर ले हुई गई राजा भूमि की रोक भेराए और उतर बछेड़ी सर मलखे ने लई जल सिंह की दंड बधाए और मलखे योधा ने रन अंदर जल सिंह राजा ले बधवाए दोस्तों जल सिंह को भी जब कैद मलखा निकल लिया दोस्तों अब तो युद्ध का रंग ही बदल गया अरे जल सिंह बोले कंजर मलखे से है बेटा बबर तो शेर मलखान कनिका छैया तो कुमर कन्हैया के ढीली मुश्किल तो देवो करवाई अरे प्राण हमारे के अब निकल गए हम पे पीर जा सही ना जाए दया कीजियो के इतनी ऊपर के ना कली हो मेरे प्राण छिनाए दोनों कीरे हम खोले तो हंस के कहती कैसे रमल खान अरे रानी मछला पूरे मदबा
चल उदल की खाक, सुआ पंखनी के संग इंदल की के सातो भामर तो देवो डरवाई। मलखान ने कहा कि उदल अभी हम मारे नहीं गए, अरे हंस के मलखे के बोलन लागे इसकी नाई को हमें परवाई, बात बदली है जो राजा जल सिंह तो पथरी में होगी हम दी है लगा। मछला को हम भेज रहे हैं, जल सिंह ने कहा कि आप चिंता न करें, अपनी नातिन शुआ पंखली जो ज्वाला सिंह की बेटी है उसके साथ में मैं इंदल का विवाह जरूर करूंगा। सर के ऊपर जल सिंह को छोड़ दिया गया। दोस्तों भिजवाई, अरे ए पन बारी
के सुआ पंखनी लौआ लीजो के भमरिया डार मलखान सेन अपनी शर्त लिख रहे थे राजन हमारे विवाह करने की एक शर्त है क्या शुरजन कहते रहते हैं आला तो सम्राट